हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय टेक्स आई टेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस नए वीडियो में हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नए कैंपस प्लेसमेंट के साथ में। और इस कैंपस में जो कंपनी आ रही है उसका नाम है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड। तो जैसा कि हम नाम से आप जान गए होंगे, ये होंडा कंपनी है और काफ़ी अच्छी रिप्यूटेड कंपनी है। लोगों का सपना रहता है इस कंपनी में जॉब करने के लिए। तो यहाँ पर ये कंपनी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए आ रही है। तो अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हैं और फ्रेशर हैं तो आप इस कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हैं और जॉब करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, होगी पूरी बात। चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले फ्रेंड यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल की। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये जो हांडा कंपनी है उसी के प्लांट का व्यू है। ये असेंबली जो डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट का यह व्यू देख पा रहे हैं यहाँ फ्रेंड। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ वर्क होता है। वर्क बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बहुत लाइट वर्क होता है। वर्क होता है और फास्ट भी होता है, हार्ड भी होता है। बट अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हैं तो आपको अपना पैसा रखना होगा, और यहाँ पर अगर आपको जॉब लग जाती है तो आपको यहाँ पे वर्क करना होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है। और अगर आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं तो बाद में आपका ऑप्शन रहते हैं कि आप दूसरी कंपनी में चले जाएँ या चेंज करके अच्छी सैलरी लेके आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वर्क होता है यहाँ पर असेंबली डिपार्टमेंट में। यहाँ पर सभी के सभी जो कैंडिडेट्स हैं, ये सब आईटीआई कैंडिडेट्स हैं, तो सब यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो मैं भी उम्मीद करूँगा कि अगर आप भी जाएंगे तो यहाँ पे अच्छे से वर्क करेंगे और अच्छे से सीखेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। तो फ्रेंड कुछ इस तरह का ही व्यू है यहाँ पर। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड यहाँ पर आगे इस कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। तो फ्रेंड यहाँ पर इस कैंपस के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर ये एज जो कंपनी आ रही है कैंपस के लिए, ये अगर आपको रिक्रूट करेगी तो एज ए अप्रेंटिस ट्रेनी रिक्रूट करेगी। और यहाँ पर फ्रेंड जो कैंपस हो रहा है गवर्नमेंट आईटीआई वार्ड नगर गुजरात, जिसका पिन कोड है 384355। और यहाँ पर फ्रेंड जो कैंपस होना है, उस कैंपस की जो डेट है वो है 1 फरवरी 2020 मॉर्निंग में 10 AM पे आपको पहुँचना है। और यहाँ पर टोटल 150 वैकेंसी हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर फ्रेंड आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विठलपुर तहसील मंडल अहमदाबाद गुजरात। यानी कि यहाँ पे प्लांट भी गुजरात में है, तो गुजरात के लिए बेसिकली ये कैंपस है। तो इस कैंपस में गुजरात के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो सभी कैंडिडेट जो आईटीआई होल्डर्स हैं और जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए कैंपस है। तो यहाँ पर अगर हम आईटीआई की बात कर लें, तो अगर आपने अपनी आईटीआई पास कर रखी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, एनसीईआरटी या एससीईआरटी से, जी हाँ, अगर आपने अपनी आईटीआई पास कर रखी है एनसीईआरटी या एससीईआरटी से, तो आप इस कैंपस में पास आउट तो आप इस कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आईटीआई पास आउट जो सेशन है वो 2018 और 2019, यानी कि 2018 और 2019 के बच्चे इस कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि 2018 से पहले पास आउट कैंडिडेट इस कैंपस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर अपन आईटीआई ट्रेड्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर फिटर, टर्नर, वेल्डर, एमएमवी, मशीनिस्ट, मैकेनिकल, डीजल, इन ट्रेड के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड एज लिमिट बताई गई है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 24 ईयर, यानी कि आपकी एज 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी आईटीआई 2018 और 2019 पास आउट ही होना चाहिए। आपका मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए। तो 50 kg से अगर कम है तो भी आपको इशू हो सकता है कुछ। यहाँ पे अगर फ्रेंड सैलरी की बात कर लें, तो सैलरी भी काफ़ी ठीक ठाक है। 13,240 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी है। साथ में आपको कैंटीन, सेफ्टी शूज़ और यूनिफॉर्म ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको कैंटीन फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। तो एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपको कैंटीन मिलती है तो आप कैंटीन में एक टाइम का खाना, लंच या डिनर कर सकते हैं, और साथ ही साथ 2 टाइम का नाश्ता कर सकते हैं जो फ्री होगा। तो एक अच्छा चांस है कि आपके पैसे यहाँ पर सेव भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं और गुजरात से बिलोंग करते हैं और कैंपस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपके पास होने चाहिए अपने 10th 12th आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट, और आइडेंटिटी के तौर पर पैन कार्ड या आधार कार्ड, और 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, और अपना एक रिज्यूमे या जो बायोडाटा है वो भी आपको लेके जाना होगा। तो अगर आप इतने डॉक्यूमेंट लेके इस कैंपस पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।